हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीमगंज रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि आता है वेस्ट बंगाल में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अजीमगंज रेलवे स्टेशन पे क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, इस रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सी ट्रेन रुकती है, रेलवे स्टेशन के बारे में पार्किंग एरिया है कि नहीं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखें। गाइस, इस रेलवे स्टेशन के बारे में आपको जानकारी दूं, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है AZ। रेलवे स्टेशन टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत आता है रेलवे स्टेशन। ईस्टर्न रेलवे जोन में लोकेटेड है ये रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। 48 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। 23 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है एंड 23 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। रेलवे स्टेशन पर आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे कि फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, AC एंड नॉन AC रूम। रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म है और 6 प्लेटफॉर्म पर आपको फूड स्टॉल फैसिलिटी, यूजर पे टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और भी बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल इस रेलवे स्टेशन पे। इस रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम अवेलेबल है, AC एंड नॉन AC रूम अवेलेबल है, लेकिन आपको रहने के लिए बाहर में कोई होटल चाहिए तो 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने के लिए आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा इस रेलवे स्टेशन के बाहर में, वो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर गए हो या इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ पर मैं घूम सकूँ। और बाकी सब पैसेंजर जिनका ट्रेन लेट होता है, 3-4 घंटा डिले चलता है, तो मैं आपको बता दूंगा अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इस रेलवे स्टेशन से नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ पे लोग कोई भी पैसेंजर जाके घूम सके। इस रेलवे स्टेशन के बाहर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में आपको ऑटो फैसिलिटी एंड टैक्सी फैसिलिटी अवेलेबल है इस रेलवे स्टेशन के बाहर में, और आप कैब भी बुक कर सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन के बाहर में पे पार्किंग एरिया अवेलेबल है। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो आपसे डिफरेंट चार्ज लिया जाएगा। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो आपसे डिफरेंट चार्ज लिया जाएगा। अगर आप 3 व्हीलर से आ रहे हो तो आपसे डिफरेंट चार्ज लिया जाएगा। चलिए आपको कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का नाम बताता हूँ जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपको भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का नाम पता है जो इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस और भी बहुत सारी लोकल पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, गुड्स ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपने भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आप में से किसी ने भी इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा ट्रेन आपने पकड़ा है। सो गाइस, इस वीडियो करते हैं पेंट। चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।